कुशीनगर में लोक आस्था के इस महापर्व पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। छठ की वेदियों को तोड़े जाने का ऐसा बवाल कुशीनगर में हुआ कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें कि कुशीनगर के विशुनपुरवा थाना क्षेत्र के दुदही नगर पंचायत के दुदही कस्बे में स्थित शिव पार्वती मंदिर के पास छठ घाट पर अचानक एक व्यक्ति हाथों में हथौड़ा लेकर छठी मैया की दर्जनों वेदियां तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हाथों में हथौड़ा लिए छठी मैया की वेदियां तोड़ने वाला भाजपा पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक महेंद्र प्रताप हैं। अब इन्होंने यह वेदियां क्यों तोड़ी फिलहाल यह जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में तनाव जैसी स्थिति जरूर पैदा कर दी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन भाजपा के नेता के इस कृत्य ने किरकिरी जरूर करवा दी है। लाते हैं मक्खन चप्पल से हम लोग पूजा करते हैं और कटोर का गति कर दिया। अब ऐसा रहेगा तो हम लोग छठ नहीं मनाने देंगे, छठ नहीं मनाएंगे। इसके बाद देर तो ही तो मुकदमा लिखा है और इनको जेल भेजा जाए, छठ नहीं मनाएंगे, छठ नहीं मनाएंगे हम लोग। चश्मा पहना था, चश्मा पहना था। यहाँ पर छठ घाट है और सैकड़ों छठ वेदियाँ बनी हुई, सैकड़ों साल से यहाँ पर हम पूजा पाठ करते रहते हैं। और एक डॉक्टर महेंद्र सिंह है जो भाजपा के तथाकथित जिला अध्यक्ष है चिकित्सा संघ के, तो जगह जगह भाजपा के नाम पर अपना काम करते हैं। आज उन्होंने आकर हम सबके रहते हुए सामने खड़े होकर लात से और फावड़े से दर्जनों छठ वेदियों को तोड़ दिया है। मना करने पर मुझे साथ मारपीट किया, क्योंकि मैं उसमें अकेले था और मुझे ले आया कमरे में बंद करके मारने का प्रयास किया गया है। और उस पर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, SP को फ़ोन किया, कप्तान को फ़ोन किया, DM को फ़ोन किया और सब पुलिस फोर्स आई है, उनको थाने लेकर जाया गया। अभी आप लोग यहाँ पे भारी मात्रा में एकत्रित हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि ये घटना वो हर साल करते हैं, छठ वेदी को हर साल तोड़ते हैं, घटनाएं घटती हैं, समाज में आक्रोश फैलता है और समाज के जो भाईचारा है, जो शांति दुनिया को उसको भंग करने का प्रयास करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि उनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए जिससे समाज का जो सामाजिकता जिस भाव बना रहे और लोगों का गुस्सा शांत है। घटना के बाद हमको जानकारी हुई है, हमने मौके पर पहुंचे हैं तत्काल ही, तो आने के बाद देखा गया है कि छठ वेदी को जो है पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ भीड़ काफ़ी आक्रोशित थी। प्रशासन आ गया था, उसको तो अपने अंदर बंद कर कचड़ी में लिया है, लेकिन सबकी मांग यही है कि जो ये हर साल बार बार विवाद पैदा करते हैं कि ये ज़मीन हमारी, मेरे कहने का मतलब उनकी ज़मीन है तो कोर्ट से आदेश लेकर आवें, अपने ज़मीन कब्जा प्रशासन के माध्यम से कब्जा करें, किसी के भावनाओं को किसी के धर्म को आहत करेंगे ये उनकी मंशा नहीं है। और कहने के लिए राजघराने के हैं, लेकिन राजघराने के नाम पे वो कलंक है, कहने के लिए राज परिवार के हैं, यहाँ के स्टेट है, फलाने कहाँ के हैं, लेकिन वो कहने के लिए स्टेट है। स्टेट ऐसा काम नहीं करता, छोटी जगह बहुत ही घिनौना काम उन्होंने किया है और मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इस पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए उनको उचित दंड देने का कार्य किया जाए, यही मेरी मांग है। थाना बिशनपुरा के अंतर्गत ग्राम दुधई में छठ वेदी को क्षतिग्रस्त करने की बात प्रकाश में आई थी। थाना स्थानीय की पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर के दोनों पक्षों से वार्ता की। दोनों ही पक्ष अमुक स्थान पर ही छठ त्यौहार को मनाने के लिए आपसी सहमति से तैयार हो गए हैं। छठ वेदी की मरम्मत करा दी गई है एवं वैधानिक कार्रवाई अलग से की जाएगी।